हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट जूसी डेलीशियस गाजर की बर्फी। इसे बनाने के लिए ना ही आपको गाजर को ग्रेट करना है और ना ही आपको मावा या कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ करना है। इससे आप बहुत ही आसानी से और फटाफट बना सकते हैं बिना किसी मेहनत के। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपश्री। वेलकम टू रूपश्रीज रेसिपी। इस बर्फी को बनाने के लिए इस तरह के लाल, फ्रेश और जूसी कैरेट्स को चूज़ करना है। इस तरह के लंबे और पतले गाजर को लेना है, अच्छे से धोकर पील ऑफ करना है और एंड्स को भी काट कर लेना है। और मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मिल्क पाउडर। आप चाहे तो घर का फ्रेश क्रीम भी 1 कप यूज़ कर सकते हैं। 3 to 4 टीस्पून देसी घी, और हमें लेना है 1 कप शुगर यानी चीनी। 3 कप ग्रेटेड कैरेट के लिए 1 कप शुगर काफ़ी है। आप चाहे तो जैगरी भी यूज़ कर सकते हैं 1 कप। और हमें लेना है 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट, जो आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर्स में आजकल आसानी से मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पर 1/2 कप काजू और बादाम को थिन स्लाइस करके लिया है ऊपर गार्निशिंग के लिए। और यहाँ पर जो काजू बादाम मैंने लिया है, ये रफली चॉप करके लिया है ये बर्फी के अंदर ऐड करने के लिए। आप अपने पसंद अनुसार ले सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को। और हमें लेना है 1 टीस्पून कार्डेमम पाउडर। सो फ्रेंड्स, अब हम इस गाजर को थिन स्लाइसिस में कट कर लेंगे। हमें बिल्कुल ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस फटाफट इस तरह से थिन स्लाइसिस में कट कर लेना है। और एक छोटे मिक्सी जार में हमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही उसमें ऐड करना है। इस तरह से हमें एक मिक्सी जार को लेकर उसमें सिर्फ 1/2 क्वांटिटी ही भरना है। उस जार को पूरा भर कर नहीं लेना है, इस गाजर के स्लाइसिस को बस 1/2 क्वांटिटी ही भर कर हमें ऊपर से ढक्कन लगाकर सिर्फ ऑन और ऑफ करके ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अगर छोटे छोटे अगर पीसीस अगर आपको दिखे तो इस तरह से अच्छे से स्पून से मिक्स करना है और फिर से एक बार ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल ज़्यादा देर तक ग्राइंड नहीं करना है, नहीं तो वो बहुत ही उसमें जूस निकल आएगा। ये देखिए कितना अच्छे से ग्राइंड हो चुका है यहाँ पर गाजर इस बर्फी को बनाने के लिए। बिल्कुल आपको ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस फटाफट से इस तरह से गाजर रेडी है बर्फी बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आप गाजर का हलवा बनाते समय भी इसी ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं और इससे जो हलवा या बर्फी है ये बहुत ही टेस्टी भी बनेगा। और अब हम एक पैन को लो फ्लेम पर गरम कर लेंगे। फिर उसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच देसी घी। देसी घी थोड़ा मेल्ट होने के बाद उसमें हम ऐड करेंगे गाजर। यहाँ पर मैंने 3 कप ग्रेटेड कैरेट लिया है। गाजर को ऐड करने के बाद इसे हम इस घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा हल्का सा इसमें 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। और हमें गैस फ्लेम को लो ही रखना है, बिल्कुल हमें बढ़ाना नहीं है फ्लेम को। और इस तरह से लगातार मिक्स करते रहना है। और 1 से 2 मिनट के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप शुगर यानी 1 कप चीनी ऐड करेंगे। अगर आप चीनी नहीं खाते, शुगर नहीं खाते, तो आप इसमें जैगरी भी ऐड कर सकते हैं। पाउडर्ड जैगरी को 1 कप इसमें ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। शुगर या फिर जैगरी इसमें अच्छे से मेल्ट होने के बाद इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। यहाँ पर मैंने 1 कप मिल्क पाउडर ऐड किया है। आपके पास अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो आप घर में अवेलेबल मिल्क क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं 1 कप। और अब फिर से हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे चॉप ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मैंने काजू और बादाम को रफली चॉप कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद अब हम सभी चीज़ों को कंटिन्यूसली चलाते हुए यानी कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। लो फ्लेम पर ही हमें पकाना है इसे।
और आप देख सकते हैं बहुत सारा इसमें मॉइस्चर रिलीज होगा क्योंकि शुगर अच्छे से मेल्ट हो गया है। आठ मिनट के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट। डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करने से इसका फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आएगा और इसमें का जो भी मॉइस्चर है वो पूरा उसमें एब्जॉर्ब भी हो जाएगा और ये फटाफट बनकर रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट। और अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट तक लगातार मिक्स करते हुए पकाएंगे। और हमें इसी तरह से तब तक पकाना है जब तक ये मिक्सचर जो है वो अच्छे से नॉन स्टिकी बन जाए और पैन को छोड़ने लगे, यानी पैन से अलग होते हुए नज़र आए, तब हमें समझ लेना है कि ये बर्फ़ी परफेक्टली बनकर रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर यानी कार्डमम पाउडर। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इस बर्फी में। आप चाहे तो नटमेग पाउडर भी 1/2 चम्मच ऐड कर सकते हैं ग्रेट करके। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं ये मिक्सचर पैन को बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। ये देखिए कितना अच्छे से नॉन स्टिकी मिक्सचर बनकर रेडी है। इस बर्फी को और भी टेस्टी और रिच टेक्सचर लाने के लिए इस पॉइंट पर आप 2 से 3 टीस्पून देसी घी ऐड कर सकते हैं। अब हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये बहुत ही परफेक्ट मिक्सचर बनकर रेडी है बर्फी बनाने के लिए। और अब हम बर्फी को सेट करने के लिए इस तरह का केक टिन लेंगे या फिर किसी भी प्लेट को लेंगे, स्टील प्लेट या बर्तन को लेना है और उसमें 1 चम्मच देसी घी ऐड करना है और उसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है और उसमें बर्फ़ी के मिक्सचर को ऐड करेंगे और इवनली स्प्रेड कर लेंगे स्पैचुला की सहायता से। अगर आप और भी परफेक्ट और इवन थिकनेस लाना चाहते हैं बर्फीज को तो एक स्टील की कटोरी को पीछे से थोड़ा सा घी लगाकर सरफेस पे थोड़ा सा टैप करना है। ये देखिए इस तरह से। और अब हम इस पर ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। गार्निशिंग के बाद 3 घंटों तक रूम टेम्परेचर में इसे सेट होने के लिए रख देना है और फिर उसके बाद आप मन चाहे शेप्स में इसे काट सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 3 घंटों के बाद कितना बढ़िया बर्फी बनकर रेडी है आप देख सकते हैं। इसमें ना ही कोई आर्टिफिशियल कलर्स है और ना ही आर्टिफिशियल फ्लेवर्स है। देखिए कितना अट्रैक्टिव और बहुत ही स्वादिष्ट गाजर की बर्फी बनकर रेडी है। सो फ्रेंड्स, आप भी इस टेस्टी और हेल्दी गाजर की बर्फी को घर पर जरूर ट्राई करना और आपके एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी एंड बी हैप्पी।